अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सऊदी न्यूज़ तक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम सऊदी अरब की एक बैड न्यूज़ के साथ हाजिर हुए हैं। दोस्तों ये एक बुरी खबर आई है आभा एयरपोर्ट से, जहां पर हौसी बागियों की तरफ से मिसाइल हमला किया गया और जिसके चपेट में 26 मुसाफिर आए जो कि जख्मी हो गए। अल्लाह का शुक्र था कि कोई किसी भी तरह की कोई भी वफात किसी की नहीं हुई है, बस लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें से तीन खवातीन भी थी, एक इंडियन, एक सऊदी और एक यमनी थी, और दो बच्चे भी शामिल हैं। और आठ लोगों के जो जख्म थे वो थोड़ा ज़्यादा थे, तो उनको इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। बाकी 18 लोगों के जो जख्म थे वो मामूली दर्जे के थे, तो उनको वहीं पर ट्रीटमेंट देकर फारिग कर दिया गया है। दोस्तों आपको बता चलें कि अक्सर जो हौसी बागी हैं वो सऊदी अरब को टारगेट बनाते रहते हैं, कभी रियाद में तो कभी अलग अलग इलाकों में वो सऊदी अरब को टारगेट बनाते रहते हैं, लेकिन कभी भी वो कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन इस बार जो है वो जो टारगेट बनाया आभा एयरपोर्ट को बनाया और इस बार वो कामयाब हो गए। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सऊदी हुकूमत इसका बदला ज़रूर लेगी, और जो हौसी बागी हैं उनको इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सऊदी हुकूमत उनको तबाह और नाबूद कर देगी। क्योंकि हौसी बागी जो हैं वो हमेशा सऊदी अरब को निशाना बनाते रहते हैं, और इसकी चपेट में सिर्फ सऊदी शहरी ही नहीं अजनबी भी आते हैं। तो हम सब लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला और सऊदी हुकूमत जो है हौसी बागियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और इनको तबाह और नाबूद कर दें, एकदम से ख़त्म कर दें, ताकि सऊदी को किसी भी तरह का कोई भी ख़तरा न रहे किसी से। क्योंकि सऊदी ऐसा कंट्री है कि जहां पर अक्सर लोग जो मजबूर आते हैं, अपने मुल्क से आते हैं, यहां पर आने के बाद वो कामयाबी हासिल कर लेते हैं। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि सऊदी अरब में आने के बाद नाकामयाब होकर वापस लौटे, लेकिन ज़्यादातर तादाद ऐसी है कि लोग सऊदी अरब में आते हैं और कामयाब होकर ही जाते हैं, भले कि वो इंडिया में कितना भी गरीब हों। लेकिन एक बार अगर बंदा सऊदी अरब आ जाता है तो यहाँ पर अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह की रहमत से यहाँ पर कि वो उसका जो हालात होते हैं वो पहले से बेहतर हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों हम सब दुआ करें कि अल्लाह ताला और सऊदी हुकूमत जो है वो हौसी बागियों को तबाह और नाबूद कर दे, ताकि सऊदी अरब को किसी भी तरह का कोई भी ख़तरा किसी से ना रहे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो खबर मैंने आप सभी दोस्तों के साथ शेयर की है वो बैड न्यूज़ है, लेकिन मैंने आप सभी को सोचा इस बारे में बताया जाए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।